एक नवम्बर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जायजा उन्होंने लिया है। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कलाकारों के लगाए उपेक्षा के आरोप पर उन्होंने खंडन किया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। तीन दिवसीय राज्य उत्सव का जो है उसका निरीक्षण का दौर जारी है। इस वक्त संस्कृति मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अभी हाल में उन्होंने निरीक्षण किया यहाँ पे। मंत्री जी, अभी आपने यहाँ पे निरीक्षण किया, किस तरह की तैयारी आपने देखा यहाँ? देखिए, ग्राउंड की तैयारी को हम लोगों ने निरीक्षण करने आया था कि तैयारी कम्प्लीट हुआ या किसी प्रकार का कुछ और सलाह कहीं पर देना हो, कोई एडवाइस हो तो उसको दे करके हम लोगों ने अभी सांस्कृतिक जो मंच बनना है, जो हमारे अतिथि आएंगे उनके लिए मंच बनना है, वो सबको हम लोगों ने निरीक्षण कर लिया है। सब तैयारी हो गया है, अब बस अंतिम उसको फिनिशिंग दिया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों राज्य उत्सव के समय में छुट्टी का ऐलान किया है और लगातार तीन दिन सरकारी छुट्टी है, ऐसे में भीड़ उमड़ना लाजमी है, तो यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था और उनके यातायात के लिए किस तरह की व्यवस्था है? पर्याप्त व्यवस्था की गई है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहली बार यहाँ पर साइंस मैदान में किया जा रहा है, इससे शहर के लोगों को आने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं जाएगा। इसमें देर रात तक कार्यक्रम देख सकते हैं। उधर नए राजधानी में होने से परिवार सहित लोग जाने जा पाते थे, देर रात थोड़ा सा दिक्कत होता था लोगों को आने जाने में। ये तो बहुत अच्छा माहौल है, उत्साह है लोगों में और तैयारी अंतिम चरण पे है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक छटा बिखेरने की बात हो रही है, स्थानीय कलाकारों को महत्व देने की, किस तरह की तैयारियां हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया संस्कृति, यहाँ के कला और यहाँ की विधा को हम ऐतिहासिक जो महत्व है वो देना चाहते हैं कि अभी तक जो नहीं मिला है उन लोगों को महत्व। अभी तक होता क्या था कि हॉलीवुड के कलाकार आते थे, बस एक दो घंटा रुकते थे और कई करोड़ रुपए लेके चले जाते थे, और यहाँ के कलाकारों का अवहेलना होता, उनका दो तो तीन तीन साल तक भुगतान नहीं हो पाया। स्थानीय कलाकार ये अपने उपेक्षा होने का आरोप लगा रहे हैं, जो उनको कमीशन दे रहे हैं उन्हीं को कार्यक्रम मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। छत्तीसगढ़ के कला, यहाँ के कलाकार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विधा सबसे ऊपर, और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये स्लोगन को हम लोग बिल्कुल जमीन में उकेरना चाहते हैं। तीन दिन के राज्य के आयोजन के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी अपनी सरकार है और आपके लिए काम कर रही है, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की गरिमा और यहाँ का मान बढ़ाने के लिए काम कर रही है, सबको एतबार होना चाहिए। तो अभी आपने सुना संस्कृति मंत्री जी को, जिनका साफ कहना है कि यहाँ जो स्थानीय कलाकार हैं उनको महत्व देना, उनका विकास करना इनका प्रमुख उद्देश्य है, जो बाहरी जो कलाकार हैं उनपे बैन लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कलाकारों का कहना है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, जो लोग कमीशन दे रहे हैं उन्हीं को उनमें इसमें भाग लेने का अवसर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आयोजन बहुत बड़ा है, राज्य का उत्सव है और तीन दिन का छुट्टी है, लोगों का भीड़ आना लाजमी है, तो इस तरह यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था बहुत बड़ी चुनौती है, इसको सरकार किस तरह से हैंडल करती है अब ये देखना होगा। रायपुर से कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराज।